बड़ा सादा सा सवाल है, आपको लगता है कि काफ लीग के रेजिस्टेंस के बावजूद इमरान खान असेंबलीज की रेजोल्यूशन का इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं? ये डिसीजन तो वो ले लेते हैं ना, डिसीजन वो ले लेते हैं लेकिन उसको अपनी जान में पहनाने में देर कर देते हैं। और ये तो उनका हमेशा का ही एक रवैया भी रहा है, एक वतीरा भी रहा है। आप देखिए ना, जब असेंबली किसी ने डिसॉल्व करनी होती है और अगर ये सोची समझी प्लानिंग थी, इसके ऊपर मशावरत हो चुकी थी तो मैंने जैसे पहले भी एक दफा कहा था कि वो फिर आते पिंडी वाले इजलास में बैठ के, दोनों उनके साथ बैठे होते सीएम और वो समरी पेश करते जो वो गवर्नर को भेज रहे हैं और बात खत्म। जब आप मामले को इतनी इतनी तूल देते हैं, उसके बाद फिर मुशावरत करते हैं, फिर उसके आईनी तकाजे समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके कानूनी हकायक को जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं आप कैसे वनरेबल होंगे अगर ये असेंबलियां तहलील हो गई, फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, वहां पर तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कोई भी। याद रखिए महमूद खान साहब बहुत दफा कह चुके हैं कि हम असेंबलियां तोड़ देंगे, वहां अपने केसेस के हवाले से भी सबको डर है, असद कैसर साहब को डर है, वहां पे तीन अलग अलग ग्रुप्स पीटीआई के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मसला तो सिर्फ पंजाब असेंबली का है नहीं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का भी है। और पंजाब असेंबली में हमें देखें, जब जब आपको एक बार बात बार 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 एक ही बात बताई जाए और ऑन द रिकॉर्ड पर लाई जाए कि जी अमानत है, खयानत नहीं करेंगे, एक मिनट नहीं लगाएंगे, असेंबली तहलील कर देंगे, ये वो कहते हैं जिनको जरूरत होती है कि ये तासुर जायल हो जाए कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है कि ये माकूल फैसला नहीं होगा, ना इमरान खान साहब के हक में होगा। तीन महीने की जो इंटरिम सेटअप है उसमें जो भी बुनियादी बातें, रियासत की इन्वॉल्वमेंट, आपकी ऑपोजिशन के साथ मुजाकरात, आपकी हर चीज मैटर करेगी। उसके बाद आपके इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आप इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से क्या गुफ्तगू करते रहे, आया आप वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये नहीं, लेकिन सर मुझे सोचने की बात तो ये भी है ना कि ये डिसीजन इमरान खान ले भी चुके हैं या नहीं, क्योंकि ओवर द लास्ट 24 आवर्स इमरान खान की मोना सिलाई साहब से दो बार मुलाकातें हो गई है। मोना सिलाई उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस फैसले को ना लें, आपके हक में नहीं है। इमरान खान इस पर कोई भी राय देने से इस वक्त कासिर है, ना ही पार्टी के लोगों से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान के हाँ अभी भी इनडिसाइसिवनेस है और आपको लगता है कि वो ये डिसीजन ले चुके हैं और अब इससे पीछे हटना उनके लिए मुश्किल होगा? मैं जैसे कह रही हूँ ना कि वो चाह रहे हैं कि अब ये मामला खुद ही खुद रिजॉल्व हो जाए, चाहे परवेज इलाही साहब डिच करा दें, चाहे महमूद खान और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बन जाए, ताकि इमरान खान साहब की बात रह जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो खाली कुर्सियां हैं और जो उनकी लो अटेंडेंस चल रही है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद ये यूटर्न लेना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए वो इंतजार इसीलिए है। ये हम लोग बार बार जो देख रहे हैं कि डेट के ऊपर डेट, कल वो एन मुमकिन है कि वो आके कहें कि अभी मेरी बातचीत हो रही है, आज मैं डेट दे रहा हूँ अपनी आवाम को कि मैं फला दिन डेट देके आपको फिर बताऊंगा मैं किस दिन तहलील कर रहा हूँ असेंबलियां, लेकिन हम इसी माह में असेंबलियां तहलील कर देंगे, एन मुमकिन है, वो ये भी कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगर वो आज, अगर वो कल ये ऐलान कर देते हैं और अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं जैसे कि वो चाहते हैं, और अगर वो असेंबली तहलील करते हैं तो ना उनके पास वो प्रोटोकॉल रहता है, ना उनके पास वो सिक्योरिटी रहती है, ना उनके पास वो तमाम तरह जो सिक्योरिटी सर्विसेज उनको मुहैया है, मतलब हमारे साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी के पास तो दो पुलिस अफसर नहीं है, इनके पास तो पूरी एक ब्रिगेड है, तो वो तो सब कुछ छिन जाता है। उसके बाद आपके केसेस आपको पता है कि आ रहे हैं, आपके केसेस के रेफरेंसेज जो आपने चलाए चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये मामला कोई आसान मामला नहीं है। ये इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि इज ही विलिंग टू नाउ एक्सपोज हिमसेल्फ, और एकदम से बिल्कुल ही, पहले भी इनके साथ अब कोई नहीं रह गया, पहले भी जिनसे उम्मीद थी वो भी, जो पत्ते तकिया जिसपे तकिया था वो भी नहीं रहे, तो अब ये सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी तो रहेगा क्या फिर? ना सिर्फ ये कि इमरान खान के पास ये रिसोर्सेज नहीं रहे जिसमें सिक्योरिटी है या और वसाइल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को हासिल है, उनके साहबजादे को हासिल है, वो कैबिनेट के बहुत सारे इजलासों में बैठे हुए होते हैं, वो यूं ही लगता है जैसे डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, मुलाकातें परवेज इलाही नहीं कर रहे इस वक्त इमरान खान से, और बताया जा रहा है कि उनके दरमियान नाराजी भी है, इमरान खान साहब बड़े सख्त नाराज हैं परवेज इलाही साहब से और उनके बिहाफ पर मोना सिलाई जाकर इमरान खान से मिलते हैं, तो वो पर्क्स जो इस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं काफ लीग 10 सीटों पर वो भी नहीं रहेंगे, सर्वाइवल काफ लीग का भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी काफ लीग के हाँ क्या, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के एक्टिव होने की खबरें भी हैं?
चौधरी शुजात हुसैन साहब बहरहाल परवेज इलाही साहब के लिए आखिरी लाइफ जैकेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी डील कर लेते हैं जरदारी साहब के साथ जिससे उनको वजारत आला तोहफे में दी जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी लॉयल्टीज डिफर कर जाए। और ऐन मुमकिन यह है कि आप ये देख लीजिए एवरी थिंग दैट्स एडिंग अप टू दिस होल इक्वेजन, जैसे आपने एक और वजीर को शामिल कर लिया काबिना में, आपने उसका हलफ भी उठा लिया, इमरान खान साहब को नहीं पता चला कास्त्रो साहब जो है, तो ये मतलब ये चीजें तमाम कोई ढकी छुपी तो है नहीं। और देखें मोनस इलाही और परवेज इलाही साहब के बारे में इमरान खान साहब के जो तहफ्फुजात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो हम सब जानते हैं, दिल में कितनी नफरतें हैं और दिल में कितनी कदूरतें हैं, चाहे वो ट्वीट करें, चाहे वो उनसे हंस हंस के मिलें, चाहे वो उनकी शहबाले की तरह उनके आगे आगे चलें, मोनस इलाही साहब के बारे में जो इमरान खान साहब सोच रखते थे वो वही रखते हैं। और ये अगर पीएमएलएन ने कभी ऑफर ना की होती इनको वजीर आला बनाने की, सीएम पंजाब बनाने की, तो इमरान खान भी ना देते ये परवेज इलाही साहब को। तो ये तो आप प्लीज अब छोड़ दीजिए कि मैं वही कह रही हूँ ना, ये सर झुका तो सकते हैं कहीं और, लेकिन किबला वही है जहाँ शुजात साहब का किबला है, और वही आठ लोग जिनकी बातें हो रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। और एन मुमकिन ये भी है कि अदम एतमाद की तहरीक लेने के लिए कह दें आपके गवर्नर साहब, और फिर जब आप कह देंगे हाँ आप कह गए आप लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है टेबल कर देते हैं तो फिर आप असेंबली वैसे भी नहीं तैली कर सकते, तो फिर परवेज इलाही साहब इज आल्सो इन द गुड बुक्स। तो अब करना किस नहीं, लेकिन उससे एक बात होगी ना कि फिर अगला सेटअप अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाता है और वो एतमाद का वोट लूज कर जाते हैं परवेज इलाही साहब, तो अगले सेटअप में यानी ये जो पीडीएम इत्तेहाद वाला सेटअप है इसमें परवेज इलाही कैसे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि वही आठ या नौ एमपीएस जो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त चौधरी शुजात के साथ रबते में है, अगर वो परवेज इलाही पर अदम एतमाद कर देते हैं तो यकीन अगले सेटअप में वो तो एतमाद नहीं करेंगे ऐसे चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि फिर वो वजीर आला हूँ। नहीं मैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ तक बात पहुंचने से पहले कहीं ये ना हो कि इरफान कादर साहब का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले, जो उन्होंने केस किया के इस वक्त एक्चुअली में जो सीएम पंजाब है वो कौन है ऑफिशियली सीएम पंजाब, क्या वो परवेज इलाही साहब है या नहीं है, अभी तो वो केस भी आगे होना है ना। तो और दूसरी बात ये देखिए कि अगर तो ये इस्तीफे दे के निकल जाते हैं, जो कि हाशिम डोगर साहब ने कहा कि अगर ये असेंबली तहलील नहीं करते, क्योंकि जाहिर है खौफ तो है कि परवेज इलाही साहब नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, तो हाशिम डोगर साहब क्या कह रहे हैं हम इस्तीफे दे के बाहर निकल जाएंगे, तो आप इस्तीफे दे के बाहर निकल जाए असेंबली तो फिर भी तहलील नहीं होगी, आप तो नेशनल असेंबली से भी निकल गए, असेंबली अपना काम कर रही है, असेंबली फाल है, उनके पास 172 की है मेजोरिटी, आप जो मर्जी कर ले, आप वो कह रहे हैं कोरम पूरा नहीं होगा क्योंकि हम चले जाएंगे, भाई उनके पास 63A जिन पर जिनका इतलाक हुआ है जो लोटे थे आपकी नजर में, उनके वोट के बगैर उनके पास अक्सरियत है, तो कोरम तो पूरा है, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये करते क्या फिर रहे हैं। उसके बाद ये ऑडियो लीक्स आ रही है, बेचारे खुद बड़े बौखलाए हुए हैं, ऐसे मैं कह रही हूँ अभी तो हम पंजाब पे अटके हुए, अभी खैबर पख्तूनख्वा जाके देखिए वहां तो और मलिया मेट है मामला, वहां तो जिस तरह से हो रहा है तालिबान की थ्रेट अलग है, इन्वेस्टर्स वहां से अलग जा रहे हैं, भत्ता वहां पर अलग दिया जा रहा है, मतलब ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है। इमरान खान साहब हैज गॉटन हिमसेल्फ इन क्वाइट अ फिक्स, और अब वो ही इज लुकिंग एल्सवेयर के कोई ऐसी चालाकी कर ले ताकि हमें ये ना करना पड़े, और लोग ये चाह रहे हैं दूसरी तरफ कि इमरान खान साहब एक और यूटर्न लें तो बस उनकी सियासत जो है वो खत्म हो जाए। तो अब देखें कौन किसकी टेस्ट ऑफ नर्व्स है, कौन पहले जीतता है। देखिए ये असेंबलियों से इस्तीफे देने वाले मामला जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों जैसे आपने हाशिम डोगर की जवाब की तरफ जो है वो हवाला दिया है, अब अगर वो ये कह रहे हैं इस तरह की बात करें तो इसका मतलब ये कि सेम पेज पर तो नहीं है फिर वजीर आला परवेज इलाही और इमरान खान या काफ लीग या पीटीआई, तो इसका मतलब ये कि अगर ये इस्तीफे देना चाहते हैं तो अल्टीमेटली फिर भी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहेंगे, तो इसका फायदा तो फिर पीडीएम इत्तेहाद ही उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में पंजाब का सियासी मंजरनामा एटलीस्ट तब्दील हो जाए। बिल्कुल होगा, अब मेरा ख्याल है कि अब ये एक महीने के अंदर अंदर चीजें बहुत ज्यादा रैपिडली चलेंगी, केसेस भी बहुत एक्टिवली सुने जाएंगे, जो फैसले होने हैं, ना अहल होना है, कितने सालों के लिए होना है, ये तमाम तर चीजें होंगी। फैसला साजी का ये मंथ है, नेक्स्ट ईयर में एंटर होने से पहले जो न्यू ईयर होगा उसमें हैप्पी होने के लिए ये तमाम तर चीजें अब कर दी जाएंगी, और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी मुतवक्के है जनवरी में, तो ये सब चीजें या आप देख लीजिए डायरेक्शन वही है। अब जो जो कदगन थी, जो जो कहीं बैरियर थे, जो जो कहीं रुकावटें थी, वो सब मिटा दी गई हैं, और अब इमरान खान साहब का तो देखें एक पेज है ही नहीं, इमरान खान का तो सब सफाई हवा में उड़ रहा होता है, तो एक पेज उनका कोई हो नहीं सकता। क्या यही वजह नहीं है कि इनडिसाइसिवनेस की, कि पहले तो डायरेक्शन आ जाती थी आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना होता था, अब वो डायरेक्शन कहीं से नहीं है, इसीलिए आप खुद भी डायरेक्शन लेस हुए हैं और इनडिसाइसिव भी।
नहीं, वो डायरेक्शन लेने के लिए गए तो थे ना, देखें जकवाल की जो है रेवड़ियां भी मशहूर हैं जकवाल में, जकवाल के एक बहुत जी शऊर शख्सियत है जो उनको बहुत एडवाइस करती है। पता नहीं वो क्या एडवाइस कर रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर उनकी एडवाइस पे चले तो देखिए क्या होता है। हो सकता है एंड मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये बारी जीत जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बाजी उनके हाथ से निकल गई है। नहीं, वो जिस फैज की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो फैज तो इमरान खान के लिए खत्म हो चुका है ना, अब वो क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? दिमाग तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी है जिस पर कह दिया कि प्रैक्टिकली मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो भी काफी चोट खाए हुए हैं, जख्म खाए हुए हैं इमरान खान साहब से, वो घाव अभी भरेंगे तो फिर को अगला फैसला करेंगे ना। नहीं नहीं, घाव घाव भरने में कौन सा वक्त लगता है, ये घाव ऐसे है कि भर भी जाते हैं और कभी मिट भी जाते हैं। ये जो सियासत नहीं करूंगा और सियासत ही करते हैं लोग, तो मेरा तो ख्याल है कि वो बातों पे मत जाएं, जो वो करते रहे हैं इतने अरसे वो अब खुल के कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं करेंगे तो ऐसे ही करते रहे, चलाते रहे मामले को। अच्छा सना बोचा साहब, लास्टली आप न्यू ईयर के ऊपर वो उसको न्यू ईयर को हैप्पी बनाने की बातें कर रही, तो बहुत सारे लोगों ने तो ये यहाँ तक फैसले कर लिए हुए हैं कि अगले सेटअप में चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा और नाम भी सामने हैं, और मेरा ख्याल आपके पास भी कुछ इत्तलात तो होंगी, अब आप शेयर करना चाहिए ना करना चाहिए आपकी सवाब नहीं। नहीं, मैं इस पे कोई हतमी नाम नहीं लेना चाहती। आई थिंक नाम अगर आपको पता है, हमारी लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और नाम लेने से कोई बात नहीं बनेगी, और नाम तो बदलने में कोई मसला ही नहीं है, नाम तो तब्दील हो ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस मुल्क में कोई भी फैसला हतमी नहीं होता, ये नाम भी अभी हतमी नहीं है। तो मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, लेकिन हाँ हैप्पी होगा न्यू ईयर, उससे पहले बहुत सारी चीजें आपको बहुत स्मूथ होती नजर। चलिए, मेरा ख्याल है कि जब तक हतमी नहीं है तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त के लिए।